सो हेलो गाइस, मैं हूं सनी शर्मा और शर्मा जी के ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। सो आज हम कहां जाने वाले हैं? आज हम जा रहे हैं जीरो पॉइंट के वो पॉइंट में जो पॉइंट के आज तक किसी ने पॉइंट नहीं किया है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। वाह, क्या पॉइंट वाली है, नंबर पॉइंट की बात की, एकदम पॉइंट की। ताली ताली दो, हाई फाइव दो। सो आप देख सकते हो कितना शानदार सीन। वाह, क्या सीन है, सुंदर होता है। सुंदर सीन हमारे महान अभिनेता आर्यन जी ने बताया कि सुंदर होता है। निर्माता ने क्या किया पता नहीं। सो आज मैं आपके लिए लाने वाला था रामचंडी जी का ब्लॉग, रामचंडी, ठीक है। बट कुछ प्रॉब्लम, हम उसे चंडी मंदिर बोलते हैं या और जो रामचंडी है, रामचंडी। सो आप पहले व्यूज देख लो, ओपी व्यूज बोलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। ओपी मीन्स ओवर पावर, किसी ने बताया हद से भी ज्यादा पावरफुल। भाई को तरह कर लू भाई, एक नंबर ओपी बोलते। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण ये जगह अपने मन की शांति के लिए बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ से अगर आप राइट लेंगे तो अशोक निवास और अगर सीधा जाएंगे तो राइट टाइक आएगा। इसका ब्रेकअप हुआ हो इस जगह पे आके अपना रोना रो दूर कर सकते। ये पेड़ बहुत ही सूखे हैं लेकिन फिर भी बहुत ही आकर्षणीय तरीके से नजर आ रहे हैं। सो बंदर और शेर की दोस्ती, व्हाट, देखो कितने मजेदार। ऐसा सीन आपने कभी जिंदगी में देखा नहीं होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ शर्मा जी के ब्लॉग्स पे। अबे साले, कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अभी लेने वाले हैं हम एक बहुत सुंदर सिनेमैटिक शॉट, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। सो So, हम अभी जाने वाले हैं। सरप्राइज ये भी सरप्राइज है, जो लोग ने पढ़ लिया, जो लोग नहीं पढ़े उसके लिए सरप्राइज है। गुपचुप खाने आए हैं हम लोग। ओ माई, सो अभी ये टाइम है पापड़ खाएगा। रवि भाई क्या खा रहा है? जब हम बचपन में थे तो मम्मी ₹2 देती थी में हम दो पापड़ खाते थे और मेरा फ्रेंड और मैं दोस्तों आप लोग ऐसे रहो, हम लोग पुचका खा के फिर कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों ये बर्गर किनाल है जो कि डायरेक्टली हीराकुड डैम से बर्गर की ओर जाता है और बर्गर के निवासियों को पानी सप्लाई करता है। तो चलो डेवरी गर्ल, चलो तो चलो तो चलो। कॉपीराइट हो जाएगा, चुप पूरा चुप, कॉपीराइट हो जाएगा। चले एक काम कर, ₹200 दे और ₹50 कट ओवर एक्टिंग के वजह से। इसमें कॉपीराइट नहीं कर सकता। तो ये है कंटेंट क्रिएट,
ये हमारा खुद का कंटेंट है। ब्यूटीफुल व्यू माय डियर। और आप व्यूज देखो और हमारा थूथना भी देखो। रेंट बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। बहुत एक साथ तुमसे ना हो पाएगा। मैं किसी के फट्टे में टांग अड़ाने नहीं आया, राज करने आया मैं। तो अभी यहाँ पे हाथी लोग भी रहते हैं। हाथी मेरा साथी, मेरे हाथी मेरे साथ। अभी नहीं आ रहा है इसका कॉपीराइट। तो अभी हम देवरीगढ़ आ चुके हैं और ये है देवरीगढ़ का एंट्रेंस, पढ़ लो, हीराकुद वाइल्ड लाइफ डिविजन। तो यहाँ पे जंगल टूर से आ चुके हैं, एक सफारी आ गया है। ये पूरा सीन है, एंट्रेंस है ये। चलिए दोस्तों, अभी हम देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक प्यारा सा सिनेमैटिक शॉट देखेंगे। लेट्स गो। अभी हम बात करते हैं गाइड से कि यहाँ पे क्या कितना चार्जेस लिया जा रहा है और क्या नहीं। ओके, आप अगर यहाँ पे आते हो क्या चार्ज है क्या नहीं है, यहाँ पे एक बार बात कर लेते हैं। सो भैया, ये जो हमारा देवरीगढ़ सेंचुरी है जी, ओपन कब होता है सुबह? देखिए, ओपन तो अर्ली मॉर्निंग 6 AM से ओपन होता है जी। और हर मतलब ट्रिप का जी 2.5 hours का मतलब सफारी ट्रिप रहता है जी, जी। उसमें मतलब लास्ट ट्रिप जो है अपना 2:45 तक है। 2:45 से 3:30 तक जी सर। जी जी, तो 3:30 फाइनली बंद होता है। अच्छा, सफारी के लिए क्या हमारा प्राइस क्या रहेगा? सफारी के लिए देखिए, अपने यहाँ 3 सफारियाँ है, जैसे कि 4-seater एक है जी, और 8-seater 2 है, और 12-seater 4 जी सर। उसमें 8-seater का 3,000 rupees और 12-seater का 4,000 rupees और जो 4-seater का 2,000 rupees। उसके बाद पर पर्सन एंट्री फीस लेते हैं वो 40 rupees। जी सर। और सफारी का प्राइस के लिए वो खाली बुकिंग करते हैं गाड़ी जी सर। और जी, वो ऑनलाइन भी बुकिंग हो रहा है जी। और अपने पास यदि गाड़ी अवेलेबल है जी, तो यहाँ आके स्पॉट भी बुकिंग होता है। अच्छा, स्पॉट। अच्छा, अपना पर्सनल गाड़ी में जाने लेते हैं या फिर आपका जो सफारी गाड़ी है बस उसी में देंगे? नहीं सर, पर्सनल गाड़ी जो नेचर कैंप जो बुकिंग कर रहे हैं वहाँ तक पर्सनल, मतलब जो बुकिंग कर रहे हैं वन डे स्टे करने के लिए, वहाँ तक खाली पर्सनल गाड़ी हम छोड़ रहे हैं जी। और यहाँ से मतलब डे विजिटर करने के लिए जो आते हैं यहाँ से सफारी करके अंदर जाते हैं सर। तो कितने से कितने एज ग्रुप के, मतलब कितने साल के बच्चों से लेके बूढ़े तक आ सकते हैं? कितना साल का कुछ है? नहीं, इसका तो साल का कोई हमारे पास रेस्ट्रिक्शन नहीं है जी। हाँ, सबको अलाउड है। सबको अलाउड जी। अच्छा, और कुछ परमिशन स्पेशल चाहिए कोरोना का कुछ ऐसा? डॉक्यूमेंट्स के लिए अपने यहाँ जो भी एक मतलब कोविड का प्रोटोकॉल है उसी को फॉलो करके हम
सफर स्टार्ट करना सर। अच्छा, तो कोविड का कुछ वैक्सीन का सर्टिफिकेट लगता है या फिर टेस्ट का रिपोर्ट लगता है? हाँ लगता है, सर्टिफिकेट लगता है और डबल डोज का जो सर्टिफिकेट होता है। जी जी। अच्छा, और कोई मतलब स्पेशल ऐसे परमिशन नहीं चाहिए? परमिशन तो ऐसा कुछ नहीं, टिकट कीजिए और सफर के कैंप का जो बुकिंग करेंगे वो। और नाइट स्टे का जो है, नाइट स्टे का वो ऑनलाइन में शो करता है। जी जी, उसका प्राइस वगैरह वेबसाइट, हाँ वेबसाइट जो है, आपका जो वेबसाइट का नाम जरा बता दीजिए, ecotourodisha.com ecotourodisha.com। जी, और देखने के लिए क्या क्या चीज़? देखने के लिए अपने यहाँ है स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, वाइल्ड बोर, इंडियन बाइसन, स्लोथ डियर, लेपर्ड, जैकल, फॉक्स, वुल्फ, वो सब एनिमल है। एनिमल को छोड़ के और कुछ मतलब अट्रैक्टिव? बर्ड्स है यहाँ पे, माइग्रेटरी बर्ड आते हैं। जी जी। साल में जैसे कि विंटर सीजन में आते हैं, फिर समर सीजन में वो रिटर्न कर जाते हैं। जी, तो अभी वो रिटर्न कर रहे हो? हाँ। तो भैया ये क्या शॉप है, इसमें क्या मिलता है? ये देखिए, ये सोवेनियर शॉप है। देखिए, अब पहले जहाँ भी जाएंगे तो आपको मतलब वहाँ से क्या प्रूफ लेके आते हैं, तो वैसे ही अपने यहाँ सोवेनियर शॉप है डेबरीगढ़। हाँ, मेमोरियल के लिए डेबरीगढ़ आए हैं तो यहाँ पे कुछ सामान वगैरह है, जैसे कि ये वाटर बॉटल है, उसके बाद कैफ है, राउंड वाला कैफ है, बेनियन है, जी जी, क्लॉक है, जी, वाटर बॉटल, और ये जो शर्ट वगैरह है ये भी? हाँ वो भी है। अच्छा जी, वो वाइल्ड जैकेट है। वाइल्ड जैकेट है। जी। अच्छा, उसका क्या प्राइस है? इसका प्राइस है 1000 रुपया। 1000 रुपया। जी सर। और सबका अलग अलग चार्जेस है, उसका आपको मेनू दिखा देंगे, आप उसमें सेट करो। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और क्या बोलो? और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो भी इन्फॉर्मेशन दिए गए बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, आप इसे देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिनको नहीं पता डेबरीगढ़ के बारे में उनको बताइए, और जो आना चाहते हैं ये वीडियो देखिए, उनमें सारे डिटेल्स दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, और जो भी ज़रूरी डिटेल्स हैं सर आइए आइए। हाँ उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। बोलो बोलो। तो गाइस, मैं बोल रहा था, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट में डाल दो गाइस, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको पढ़ के फिर से यहाँ आके दोबारा वीडियो बना के मैं फिर से आपको आंसर करूँ। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगा। आप प्लीज कमेंट में बता दीजिए आपका जो भी क्वेश्चन है, फिर से हम इसको आगे फिर से कवर करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार कवर करने की कोशिश करेंगे आपके कमेंट के थ्रू, कि आपको क्या क्या यहाँ पे देखना और है, क्या क्या नहीं देखना है। आपका क्वेश्चन है आज, जगह के बारे में। आज सनी शर्मा जी के साथ ब्लॉग में आके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। हम झूठ बोल रहा है। ओके ओके, बाद में मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा टाटा, थैंक यू सो मच। लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सो जय हिंद, जय भारत। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।